Hi, I am Sayyed Rashid. You are watching Ahle Bait High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 7th mathematics, that is max, chapter number 7, data handling. And in that we will going to learn what is data and what are the things related to this data we need to know and we need to work out. So hope you have done well your previous 6 chapters. Now this is 7th chapter. This is one of the simple, easy and important chapter. So you have to be concentrated on this also. So as you can see on the board, already I wrote the definitions like data. What is data? Data is nothing but collection of information from which we can taking decision or drawing conclusion is called data. Iska meaning kya ho sakta? To jaisa ki aap dekh sakte, डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच वन कैन टेक डिसीजन, यानी कि ऐसे इंफॉर्मेशन जिससे आप डिसीजन ले सकें या फिर ड्राइंग कंक्लूजन इज कॉल्ड डेटा. अब इसका एग्जांपल मैं देता हूं आपको. अगर आप वेजिटेबल सुपरमार्केट जाते हो तो आपको अलग अलग टाइप के टी शर्ट्स या शर्ट्स दिखेंगे, तो आपको डिसाइड कर. अब एक शर्ट होता है आपको लाइक 100 रुपीज़ का, और एक एक शर्ट होगा 200 का, और एक एक होगा 300 का, और एक एक होगा 400, और एक एक होगा 500, और एक एक होगा 600. तो आपके पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500, 600. तो ये आपको ये क्या है, ये शर्ट के प्राइसेस है. किसके प्राइसेस है? शर्ट के प्राइसेस है पूरे. तो अब आप ये आपके पास सामने कुछ इन्फॉर्मेशन है. अब आप इसमें से क्या करेंगे, डिसीजन ले लेंगे कि आपको कौन सा फिट होगा. आप यानी कि 300 वाले में कंफर्ट है, 4 वाले में कंफर्ट है, या फिर आप यानी कि हाईली प्राइस का कंफर्ट है यानी कि 600 का, या फिर आप लो प्राइस का कंफर्ट है 100 रुपीज़ का, आप डिसीजन ले सकते. इससे आप एक ड्राइंग भी कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते कि कौन सा वाला यानी कॉस्ट हाई है, कौन सा वाला लो है. तो इसी को हम डेटा कहते हैं. द न्यूमेरिकल एंट्रीज इन द डेटा आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. सपोज ये आपको क्या है, 100, 200, 300, 400, 500, 600 है. वेरास ये क्या है, शर्ट 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 शर्ट. तो इसमें न्यूमेरिकल एंट्रीज कौन सी है, ये है. तो इसको हम ऑब्जर्वेशंस कहेंगे. क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशंस. तो होप यू हैव क्लियर विद डेटा एंड ऑब्जर्वेशन. व्हाट इज मीन बाय हैंडलिंग? हैंडलिंग इज नथिंग बट मैनेजिंग और ऑपरेटिंग. हम मैनेज कर लेते हैं या फिर ऑपरेट कर लेते हैं उसके ऊपर डेटा को हमको क्या करना है. या हैंडलिंग बोल तो आप टेकिंग डिसीजन भी बोल सकते हैं आप. तो ये हो गया आपका डेटा. फर्स्ट हमारे डेटा हैंडलिंग के स्टार्टिंग में यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, देन ओनली यू कैन स्टार्ट योर एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट. एक्सरसाइज नंबर वन आप स्टार्ट कर सकते हैं. जैसा अरिथमेटिक मीन की बात कीजिए करी जाए तो द एवरेज ऑफ अ डेटा इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अरिथमेटिक मीन लाइज बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा. अब इसको मैं थोड़ा आंसर के हिसाब से समझाना पसंद करूंगा. अब अरिथमेटिक मीन निकालना है तो अब हम आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरे जितने भी वैल्यूज में अभी आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था सपोज, उसको पूरों को प्लस कर ले आप. ठीक है, प्लस कर लेने के बाद काउंट कीजिए ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाई आपको 6 कर लेना है. तो आपको क्या आएगा, 100, 200, 300, 300, 300, 600, 600 और 400 कितना हो गया, 1000, 1500, 1500, ये 2100 बाई आपको 6 हो गया. तो अब यहाँ से आपको एक आंसर आएगा, वॉट एवर इट मे बी, एज ऑफ नाउ आई डोंट वॉन्ट टू डू. तो यहाँ पे ठीक है, कर लेंगे, डोंट वरी. 6 3 18 हो गया, 3 बज गए, 30 नीचे आ गया, 6 4 24 होता है, और 6 5 का हम 30 लिख लिए. ठीक है, 30 लिख लेने के बाद ये हमारे को यहाँ पे ये इधर की तरफ चले जाएगा, तो 350. तो इसका एवरेज क्या आ गया, सपोज 350 आ गया. अब इसमें हाईएस्ट कौन सा है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, और लोवेस्ट कौन सा है बोलिए. हाईएस्ट यहाँ पे 600 है, वेरास लोवेस्ट कितना है, 100 है. तो इस तरीके का ये डेटा अरिथमेटिक मीन का मीनिंग हुआ है, बहुत आसान है. तो एज ऑफ नाउ यू कैन कॉपी दिस पार्ट एंड आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑन योर स्क्रीन. नीड नॉट टू कॉपी डाउन दिस, ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ के याद रखिए. ओके, अभी आप, मैं थोड़ा सा इधर हट जाता हूँ फ्यू सेकेंड्स के लिए, आप पॉज कर ले, कर लेके आप ये कॉपी कर लीजिए. ओके, होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी
कर लिया है। नाउ द टाइम टू लुक एट योर स्क्रीन, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, तो मैं आपको कुछ यानी कि एक प्रॉब्लम जैसा डालूंगा, उसमें आंसर भी रहेगा और साथ ही साथ उसी स्क्रीन पे मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। ओके, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है, अर्थमेटिक मीन नाम से आपको क्वेश्चन दिया, उसमें डेटा दिया गया है। तो क्वेश्चन है, द फिजिकल एजुकेशन टीचर इन ए स्कूल इंस्ट्रक्ट हिज स्टूडेंट टू प्रैक्टिस रेगुलरली। राजेंद्र हैड हिज प्रैक्टिस सेशन फॉर अ वीक एज फॉलोज। मतलब क्या है, जो फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर है ना, पूरे स्टूडेंट्स को क्या करे, इंस्ट्रक्शन दिए या फिर इंस्ट्रक्ट करे कि आपको चाहिए कि रेगुलरली प्रैक्टिस करें। तो उन्होंने रेगुलर राजेंद्र नाम के एक स्टूडेंट है जिन्होंने प्रैक्टिस किया, और उन्होंने क्या किया, देखिए, डे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये उनके डेज है। मिनट्स, मंडे को कितने मिनट करें उन्होंने, 20 मिनट, ट्यूसडे को 35 मिनट्स, वेनसडे को 40 मिनट्स, थर्सडे को 30 मिनट्स, फ्राइडे को 25 मिनट्स, वेरा सैटरडे को 45 मिनट्स एंड संडे को 15 मिनट्स उन्होंने जो है रेगुलरली प्रैक्टिस किया। कैन यू कंप्यूट द टाइम स्पेंड बाई राजेंद्र फॉर ए प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंड पर डे, लेट अस ऑब्जर्व। मतलब क्या है, आप पर डे उसका एवरेज कितना इन्होंने किया था आप निकाल सकते क्या, वॉट इज द टोटल ऑफ राजेंद्र स्पेंड ड्यूरिंग द वीक ऑन प्रैक्टिस, यानी क्या उनका टोटल है जब भी पूरा कंप्लीट वीक में। तो टोटल टाइम आप प्लस कर दिए, देख सकते हैं आप, 20+30+45+30+25+45+15=, ये 210 मिनट्स हो गया। नाउ टू फाइंड द टाइम स्पेंड ऑन प्रैक्टिस पर डे, वी डिवाइड द टोटल टाइम स्पेंड बाई द नंबर ऑफ डेज। कितने नंबर, तो अब आप नंबर ऑफ डेज तो 7 है, तो अब 210 को डिवाइड कर दिया 7 से, तो 30 मिनट्स। दिस इज द एवरेज टाइम स्पेंड ऑन प्रैक्टिस पर डे और द एवरेज प्रैक्टिस सेशन पर डे। तो ये राजेंद्र का क्या हुआ, एवरेज प्रैक्टिस क्या करें उन्होंने 30 मिनट्स करे जैसा यानी कि होता है। नाउ आई एम पुटिंग वन मोर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1 का। तो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाया जा रहा है, सकते ऑल स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, क्वेश्चन मैं आपको एक मरतबा रीड करके समझाता हूँ, समझाऊंगा मैं बोर्ड पे आपको, इंग्लिश में रीड कर रहा हूँ, सुनिए। मैक्सिमम डे टाइम टेम्परेचर ऑफ हैदराबाद इन ए वीक फ्रॉम 26 फरवरी टू 4th मार्च 2011 एज रिकॉर्डेड आर रिकॉर्डेड एज 26 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 32 डिग्री, 33 डिग्री एंड 32 डिग्री। वॉट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वीक, वॉट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक। जैसा कि आपने क्वेश्चन तो देख लिया और इंग्लिश में भी था, अभी देखिए अब थोड़ा सा हम हिंदी में एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए फर्स्ट वाला हम लिख लेंगे लाइक गिवन, क्या दिया हुआ है मैम, ठीक है, GIVEN, गिवन टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर ऑफ हैदराबाद, HYDERABAD ऑफ होल वीक, कितना दिया हुआ है हमारे पास। अब यहाँ पे अब उन्हें बोला 26 फरवरी टू 4 मार्च 2011, वो पूरा अपने को उस उतना दिया था हमको, वो टेंशन नहीं है। जस्ट यूनिट टू 26 डिग्री प्लस क्या दिया हुआ है हमारे पास, 27 डिग्री है प्लस हमारे पास 30। हियर आई एम नॉट राइटिंग द डिग्रीज बिकॉज आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द कंप्लीट डेटा, जो कंप्लीट डेटा है मैं वो अभी तो कैलकुलेशन में रख रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको वो यानी कि डिग्रीज नहीं लिख रहा। अब आप देख सकते हैं कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 डेज का हो गया। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर बता रहा है उन्हें, तो यहाँ पे मैक्सिमम ये टोटल कर लेंगे हम, ये टोटल कितना है देखिए मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ, 26, 27। आप चाहे तो ऑन योर टंग जबान पे भी कर ले सकते, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, मगर फिर भी हम कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए 2, 3, 5 हो गया, 6, 7, 7+7, 14, 14 और 6 कितना हो गया 20, 20 का 0 क्यारी 1, नॉट 1, 2, 2, 2, 4, 6, 6 और 3 कितने हुए 9, 9, 3 कितने हुए 12, 12, 3, 15 हो गए, 15 एंड 3, 18, 18 एंड 3 लाइक 21। तो अब ये क्या हो गया 210 हमारा टोटल टेम्परेचर आ गया। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है इसका, MAX, मैक्सी मम टेम्परेचर, TEMPERATURE। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ये फर्स्ट वाला बताया था आपको, तो मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें मेरे को तो 33 डिग्री दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, 30 डिग्री। सेकंड क्या है, एवरेज टेम्परेचर,
एवरेज एवरेज टेम्परेचर हमारे पास रह गया है लाइक 210/7। वाई 210/7, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ, यहाँ पे एक फार्मूले के जैसा रहता, सम ऑफ OBSERVATI और ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इस तरीके से हमारे पास ये रहता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, इसको हम डिवाइड करने पे हमारे पास जो आंसर आता 30°C। तो सिंपल एंड शॉर्ट, अच्छा सम है, आपको ये कॉपी कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन तो मैं आपको स्क्रीन पे लगाया था, तो आप थोड़ा बैक लेके पॉज करके क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद आंसर आपको कॉपी करना है। ओके, नो आई एम प्लेसिंग क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन एज यूजुअल, स्क्रीन पे लगा रहा हूँ मैं। लिसन केयरफुल्ली एंड राइट दिस क्वेश्चन इन योर बुक। राइस कंजम्पशन इन ए स्कूल अंडर द मिड डे मील्स प्रोग्राम फॉर 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज इज 15.75 kg, 14.850 kg, 16.500 kg, 14.700 kg एंड 17.700 kg। फाइंड द एवरेज राइस कंजम्पशन फॉर द 5 डेज। सो मीनिंग क्या है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, हम सेकेंड वाला सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सेकेंड वाले में क्या दिया हुआ है सॉल्व, ओके, गिवन, व्हाट इज गिवन, लाइक गिवन राइस कंजम इन स्कूल SCHOOL स्कूल फॉर 5 डेज। ठीक है, 5 डेज के लिए, FIVE 5DAYS डेज। क्या दिया हुआ था हमारे को, यानी कि 15.750 kg प्लस लाइक 14.850 kg प्लस वी हैव 16.500 kg प्लस, ये तीन हो गए। ठीक है, उसके बाद है 14.700 kg प्लस लाइक 17.700 kg। तो अब अपने को सिर्फ एवरेज निकालना है, तो अब ये पहले टोटल क्या होता है, हम टोटल कर लेंगे। टोटल सेम मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ रेड मार्कर की मदद से। तो टोटल हम, चलिए इधर साइड हम कर लेंगे टोटल, रफ कॉलम जैसा 15.750 है, 14.850 है, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। करना क्या है हमारा सिंपल, इसको पहले प्लस, यानी कि प्लस कर लेते हैं हम, 16.500 है, 14.700 है, 17.700 है। तो अब ये तो फर्स्ट वाला जीरो ही छः, 5 क्या हो गया हमारे पास, 10 हो गया, 10 का जीरो कैरी 1 होगा, ये होगा हमारे पास 16 और 5 21 होगा, 21 और 7 कितना होगा 28 होगा, 28 फिर 7 कितना होगा 35 होगा, तो 5 का 5 होगा, कैरी 3 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इज इंट इट, या कैरी 3 हम नहीं लिखेंगे, जी हाँ, हम कैरी 3 को लिखना होगा यहाँ पे। तो हमारे पास हो गया 8 और 4 कितने हो गए 12 प्लस 6 18 प्लस 4 कितने हो गए 22 प्लस 7 29 का 9 कैरी 2 हो गया, ये 5 प्लस 2 कितने होते 7 होते। तो हमारे पास एवरेज कितना आ गया, मैं यहाँ पे डाल लूँगा लाइक 79 kg। ठीक है, 79.500। अब अपने को एवरेज निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है हमारे पास 79.500/5 सिंस सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ OBSERVATION ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, NUMBER नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, दिस क्वेश्चन विल नॉट गोइंग टू लीव यू इवन इन 10th क्लास, ये 10th क्लास में भी 2 मार्क्स में पूछता है आज की तारीख में। तो आप 7th में है बोलेंगे सर 10th का पढ़ा रहे हैं, ये एक बेसिक थिंग्स है जो वापस रिपीट होते हैं पीरियडिकली अलग अलग क्लासेस में। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने पे देख सकते हैं 5 को मैं 79 से डिवाइड कर रहा हूँ, 00 5 वनजा मेरे पास 5 हो गया, तो 2 बचते ही मैं 9 को नीचे ले लिया, तो मेरे पास बच गया लाइक 5 5 25 हो गया, तो मेरे पास 4 बच गए, 4 बचते ही मेरे को यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 5 नीचे ला रहा हूँ, ये 9, तो मेरे पास आंसर क्या है
15.9 केजी राइस ओके कंज्यूम इन स्कूल SCHOOL स्कूल फॉर 5 डेज, यानी 5 डेज के लिए इतना कंज्यूम हुआ। दिस इज ऑल्सो इन सिंपल सम। क्वेश्चन नंबर 2, ऑलरेडी आई पुट द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सो यू हैव टू कॉपी दैट क्वेश्चन एंड यू कैन आंसर फ्रॉम द बोर्ड। ओके, सो होप यू हैव कॉपीड क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल एज द आंसर विच वॉज रिटन ऑन द बोर्ड। नाउ द टाइम टू सी स्क्रीन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। एज यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन, द क्वेश्चन नंबर 3 इज इन ए विलेज 3 डिफरेंट क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन 4 सक्सेसिव ईयर। द प्रॉफिट इन रुपीज ऑन द क्रॉप्स पर एकर इज शोन इन द टेबल बिलो। क्रॉप ईयर 2005, 2006, 2007, 2008। ग्राउंडनट, जवार, मिलेट्स। ग्राउंडनट इज नथिंग बट इन 2005 7000, आफ्टर दैट इट इज 8000, देन 7500, आफ्टर दैट 7500। फॉर जवार इट इज लाइक 6000, 1000, 8000, 1000। फॉर मिलेट्स इट इज 9000, 5000, 3000 एंड 4000। कैलकुलेट द मीन प्रॉफिट फॉर ईच क्रॉप ओवर द 4 ईयर। बेस्ड ऑन योर आंसर विच क्रॉप शुड बी कल्टिवेटेड इन नेक्स्ट ईयर। सो जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा था, 3 अलग अलग क्रॉप्स है, ठीक है। हम लिखेंगे थर्ड वाले में, ओके, थर्ड सॉल्व गिवन। ओके, गिवन में यू नीड टू ड्रॉ द बॉक्स वंस अगेन। जो आपको बॉक्स मिला है ना, वो बॉक्स एक खुद फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। तो आप, आई थिंक मैं भी ड्रॉ कर ही लेता हूँ। तो एक तो हमारे पास क्रॉप है, यानी एक ईयर वाइज, YEAR ईयर वाइज क्रॉप्स क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। ग्राउंडनट, GROUND NUT। After that we have like jawar. After we have jawar like millets. Okay, these 3 things. And years it is mentioned as like 2005, 2006, 2007 and 2008. These 4 years they have cultivated. Whereas groundnut got like इनके पास आया है 7000. Okay, after that 8000 आया इनके पास। उसके बाद 2 ईयर्स में उनके पास 7500 और 7500 आया। वेर एज जवार की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट उसमें तो 6000 आया था, उसके बाद 1000। आप डेटा से ही बोल सकते हो ऑल द स्टूडेंट के थोड़ा सा जवार के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा। पहले 6000 आया, फिर 1000, फिर 8000 आया। फिर तो मिलेट्स देखेंगे, फर्स्ट आपको 9000 आया था, फिर उसके बाद 5000 आया, उसके बाद 3000 आया एंड साथ ही साथ आपको 4000 आया। अब आपको करना क्या है इसमें, पहले तो हर एक क्रॉप की मीन प्रॉफिट, यानी कि जितने भी है उसके पूरों के मीन प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट कितना इन्होंने लिया था, वो प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। फिर आफ्टर दैट ऑन द बेसिस, यानी आपके बेस के हिसाब से नेक्स्ट ईयर्स, यानी कि नेक्स्ट ईयर में कौन सा क्रॉप आपको यानी कि उगाना चाहिए। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, ऑब्वियसली जिसमें हमको बेनिफिशियस रहता, जिसमें प्रॉफिट्स रहता, वही काम हम करेंगे ना आगे। यानी जो हम आपको फ़ायदा दे सकते उसी पे हम वर्कआउट करते। ये ह्यूमन टेंडेंसी है और नेचर ऑफ लॉ है, एक कुदरत का कानून है कि कुदरत कभी भी किसी को नुकसान नहीं दे सकती। क्योंकि आपको तो मालूम है जो झाड़ा रहते ट्रीज, उसके अंदर से ऑक्सीजन निकल के आता, कितना फ़ायदेमंद है हमको। आर्टिफिशियली ऑक्सीजन का एक सिलेंडर कितने में होता आप समझ सकते। तो देखिए फर्स्ट वाला, ओके लेट इट बी, अभी हम हमारे टॉपिक पे आएंगे ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। फर्स्ट वाला सॉल्व, ग्राउंड नट लिख रहा हूँ मैं, GROUND ग्राउंड नट। ग्राउंड नट के लिए हम क्या करेंगे, 7000 प्लस 8000 ओके प्लस 7500 प्लस 7500 बाय 4 कर लेंगे। तो ये टोटल कितना हो रहा हमको, ये 15000 हो जाएगा और ये भी हमको यूजुअली 15000 ही हो जाएगा, टोटल 30000 है। ये आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, ये आप कर सकते। ये 15000 होगा, फिर ये 8000 मीन्स 23000 में 7000 मिलाने पे 30000। इसको हम डिवाइड कर लेंगे आगे नहीं, अभी करके बता देता हूँ मैं। 4 7 28, वी गॉट 2, हमारे पास कितने 2 बच गए। तो हम 0 को नीचे की तरफ ले लेके आ रहे हैं, तो लाइक 4 5 20, तो अब हमारे पास कितने 0 लेफ्ट हुए, 1 2। तो ये क्या हो गया, एवरेज मीन प्रॉफिट कितना आया इसका, 7500 रुपीज़। यू नीड टू राइट हियर लाइक रुपीज़।
वेर एज सेकेंड हम बात करेंगे, सेकेंड वाला हमारे पास क्या है, जवार है। सेकेंड सॉल्व वी हैव विद अस लाइक जवार, जे ए डब्ल्यू ए आर। जवार में हमारे पास क्या क्या है, 6000, ये भी आप साथ साथ प्लस कर लीजिए। 6000 और 1000 7000 होता, 7000 में अगेन आप 8000 मिलाएंगे तो 15000 होगा, 15000 में आप अगेन 1000 मिलाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 16000 हो गया। 16000 को आप ये डायरेक्ट 4 1 4 4 कर दीजिए तो 4000 रुपीस हमारे पास आया है जवार का। उसके बाद थर्ड वाला हम सॉल्व कर लेते हैं, एम आई एल एल ई टी एस, मिलेट्स की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, 9000 ओके प्लस 5000 प्लस 3000 प्लस 4000, ये भी आप आपके ओरली टंग यानी कि ज़बान पे ही कर ले सकते हैं आप। 9 प्लस 5 कितने होते, 14 होता, 14 प्लस 3 कितने होंगे, 17 होगा, 17 प्लस 4 कितने होंगे, नियरली 21000 आपको यहाँ पे होते हैं डिवाइडेड बाई 4। अब इसको आप चाहे तो यहाँ पे कर लीजिए, 4 को 21000 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 4 5 का मेरे पास 20 है, 1 बचा तो 4 2 जा मेरे पास 8 रहेगा, तो मैं फिर अगेन नीचे ले गए, फिर 4 5 जा मेरे पास 20 रहेगा, तो मेरे पास फर्स्ट ज़ीरो मैं यहाँ पे लिया था, सेकंड ज़ीरो मैं यहाँ पे लिया था, तो अब मेरे पास बचा क्या, एक ज़ीरो बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, 5250 रुपीज़। तो अब ये इसके बेस पे सेकंड यानी कि ये फर्स्ट में तीनों ही सॉल्व करने के लिए बता रहे थे उन्होंने, तो हम ये फर्स्ट वाला ही डालेंगे। सेकंड वाले में आप बोल सकते ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल नेक्स्ट ईयर के लिए हम, सो बेस्ड ऑन दिस टेबल, इस टेबल के बेस पे आप क्या बोलेंगे कि आपको ग्राउंडनट यानी कि ग्राउंडनट नेक्स्ट ईयर के लिए कल्टीवेट करना है, क्योंकि ग्राउंडनट में हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट है, यानी 7500 रुपीज़ हम ले रहे हैं। तो सेकंड वाले में आप सिंपल लिख दीजिए ग्राउंडनट, जी आर ओ यू एंड डी एन यू टी, खत्म। दैट्स ऑल अबाउट योर थर्ड आंसर, थर्ड आंसर आपका हो गया। होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया है। तो देखिए ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 कम्प्लीट हुआ, इसके बाद एक और 2 समा इससे रिलेटेड रहते, लाइक राइट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फॉर टू फाइंड द मीन गिव सुटेबल डेटा, यानी क्वेश्चंस अगर आपको मीन फाइंड करना है तो 2 क्वेश्चन अरेज करो आप। 2 क्वेश्चंस क्या अरेज होते कि हम मीन कैसा फाइंड कर सकते, पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज मीन, मीन क्या है, तो ये 2 क्वेश्चंस रेज हुए। तो ये आपको एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुआ। अभी आप कुछ अगर क्वेश्चंस छुटे हुए हैं तो आप अपने रीडर में से वर्कआउट कीजिए इसको। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास, वी विल जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू दिस सेम क्लास लाइक 7th क्लास मैथमेटिक्स इन अवर नेक्स्ट सेशन। मेक श्योर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो ही मैथ्स समझने आता है। सो यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल नेम एस अहलेबैद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, आई एम सैयद राशिद, टेकिंग केयर लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड mathematics for higher classes here. Maintain notes, take care, have a great time, thank you.